अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासत तेलंगाना में बारिश की पेश कयासी, गांव गांव चना बाजार में किन इंडिया कहां है वजीर आला तेलंगाना का वजीर आजम से सवाल। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर आम आदमी पार्टी का कब्जा, बीजेपी का 15 साल दौर खत्म। और ट्रेन और रेलवे प्लेटफार्म के दरमियान फंस गई लड़की। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक मरतबा फिर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आला ने जगतियाल में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि गांव गांव चाइना बाजार फैल रहे हैं, क्या यही मेक इन इंडिया है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया कहीं नज़र नहीं आता। कोटा के मंच दवाखाने के बाजू चाइना बाजार, जगतियाल के जुमेरात बाजार में चाइना बाजार, करीम नगर के सर्कस ग्राउंड के पास चाइना बाजार है। उन्होंने कहा कि क्या यही मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया बाजार कहाँ है, गाँव गाँव चाइना बाजार क्यों आ रहे हैं। नाखून काटने के नील कटर से लेकर दाढ़ी बनाने के शेविंग ब्लेड, कुर्सियां, सोफ़ा, दिवाली के पटाखे भी चीन से आने चाहिए। उन्हें कौन फ़रोग दे रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, इस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी की है। जुमा और हफ्ते को तेलंगाना के बाद मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कहा गया है कि इतवार को भी बाद मुकामात पर इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। इस दौरान आज सुबह से ही हैदराबाद में मौसम अबर आलूद है और सर्दी की लहर देखी जा रही है। हैदराबाद की मंगलहाट पुलिस ने आज एक मरतबा फिर रुकने असेंबली मलून राजा सिंह को नोटिस जारी किया है। मंगलहाट पुलिस ने कहा कि राजा सिंह ने हाई कोर्ट के अहकाम पर अमल किए बगैर एक तबके के खिलाफ फेसबुक पर राजा सिंह ने आज एक इश्तियाल अंगेज पोस्ट की है। पुलिस ने उस पर राजा सिंह को 2 दिन में वजाहत देने की हिदायत दी है, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस मौसूल होने पर राजा सिंह ने कहा कि यह बदकस्मती की बात है कि पुलिस ने फेसबुक पर एक छोटी सी पोस्ट डालने के बाद ही नोटिस जारी किया। ये इस बात का सबूत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव और पुलिस ने उन पर तवज्जो मरकूज की है। हाई कोर्ट ने राजा सिंह को मशरूत जमानत दे दी है, जो पहले ही पीडी एक्ट केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। ताहम अदालत ने उन्हें मशरूत जमानत दे दी और हुक्म दिया कि वो जेल से रिहाई के बाद कोई नफरत अंगेज तकरीर ना करें। उन्होंने मीडिया से बात ना करने का मशवरा भी दिया है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने वालों को खुशखबरी दी है। महकमे सेहत में 1147 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की मुलाजिमतों पर तकर्रात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अहल उम्मीदवारों से इस माह की 20 तारीख की सुबह 10:30 बजे से 5 जनवरी की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। 34 डिपार्टमेंट्स में 1147 मुलाजिमतों पर तकर्रात किए जाएंगे। जिनकी उम्र 18 से 44 साल के दरमियान है, वो दरख्वास्त दे सकते हैं। ऑटोनॉमी के लिए 26 जायदादें, फिजियोलॉजी 26, पैथोलॉजी 31, कम्युनिटी मेडिसिन 23, माइक्रोबायोलॉजी 25, फॉरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी 25, बायोकेमिस्ट्री 20, ट्रांसफॉर्मेशन मेडिसिन 14, जनरल मेडिसिन 111, जनरल सर्जरी 117, पीडियाट्रिक 77, एनेस्थेशिया 155, रेडियो डायग्नोसिस 46, रेडिएशन ऑनकोलॉजी 5, साइकाट्री 23, रेस्पिरेटरी मेडिसिन 10, डर्मेटोलॉजी 13, गायनाकोलॉजी 142, ऑप्थोमोलॉजी 8, आर्थोपेडिक्स 62, ईएनटी 15, हॉस्पिटल एडमिन 14, इमरजेंसी मेडिसिन 15, कार्डियोलॉजी 17, कार्डियक सर्जरी 21, एंडोक्रोनोलॉजी 12, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी 14, न्यूरोलॉजी 11, न्यूरोसर्जरी 16, प्लास्टिक सर्जरी 17, पीडियाट्रिक सर्जरी 8, यूरोलॉजी 17, नेफ्रोलॉजी 10, मेडिकल ऑनकोलॉजी 1 जायदाद हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कोरटला असेंबली हलके के बंडालिंगापुर गांव को मंडल का दर्जा देने का ऐलान किया है। जगतियाल के मौते में जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रैतु बंधु की इमदाद अगले 10 दिनों में किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने ज़िले जगतियाल के तमाम असेंबली हलकों की तरक्की के लिए 10-10 करोड़ रुपये मंजूर करने का ऐलान किया है।
शहर के इलाके सिकंदराबाद में पीर की रात एक शख्स की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर खातिलाना हमले के बाद उसके पास से सोने के जेवरात लूट लिए गए। पवन नामी शख्स सिटी लाइट होटल के पास से गुजर रहा था कि हमला आवरों ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क दिया और उस पर खंजर से हमला कर दिया। हमले के बाद जख्मी के पास मौजूद 14 तोले वजनी तिलाई जेवरात लूटकर हमला आवर फरार हो गए। पवन हिमायत नगर में वाक़ राधे ज्वेलर से जेवरात लेकर सिकंदराबाद के लिए रवाना हुआ था। जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हैदराबाद की सैबराबाद पुलिस ने ऑनलाइन जिस फरोशी के बहुत बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए खातून बिशमुल दलालों की एक टोली को गिरफ्तार किया, जबकि मुतासरीन में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा रूस और उज़्बेकिस्तान की लड़कियां भी शामिल बताई गई हैं। कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि वेबसाइट्स के अलावा हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई से कॉल सेंटर्स के जरिए ग्राहकों को रागब किया जाता। व्हाट्सएप के जरिए मुकामी दलालों से लड़कियों और ख्वातीन की तस्वीर हासिल करके उन्हें मेन ऑर्गेनाइजर को भिजवाया करते थे और ये तस्वीर ग्राहकों को भिजवाते। टोली के अरकान मुख्तलिफ मकामात से सेक्स रैकेट चलाते हुए मुतासरा लड़कियों को तैयारे का टिकट फ्राहम करके उन्हें होटल्स को भिजवाया करते थे। ये टोली मंशियात भी सरबराह करती थी। बाद अजा हासिल होने वाली रकम आपस में तकसीम कर ली जाती। पुलिस ने इस मामले में 5 मुकदमा दर्ज करते हुए 17 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुतासरीन की तादाद 14,190 है और उनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आसाम, बांग्लादेश, नेपाल के अलावा थाईलैंड, उज़्बेकिस्तान, रूस वगैरह से भी है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक खातून का कत्ल कर दिया गया। रैन बाज़ार पुलिस ने बताया कि 46 साल खातून के शौहर सलीम का इंतकाल हो गया। खातून चंद्रा नगर इलाके के एक मकान में तन्हा रहती थी। खातून की नाश कल रात उनके मकान में खून में लथपथ पाई गई। पुलिस को शुबा है कि किसी ने गैस सिलेंडर से खातून के सर पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया। जाए वारदात के पास शराब की बोतलें भी दस्तियाब हुई। शुबा किया जाता है कि किसी ने यहाँ मैनोशी की और उसके बाद खातून पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। एक तालिबा ट्रेन और रेलवे प्लेटफार्म के दरमियान फंस गई। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के दुवाड़ा रेलवे स्टेशन में पेश आया। अन्नावरम से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साला शशिकला दुवाड़ा के एक कॉलेज में MCA साल अव्वल में ज़ेर तालीम है। वो रोज़ की तरह हज़्ब मामूल ट्रेन के ज़रिए दुवाड़ा पहुँची। ट्रेन से उतरने के दौरान हादसाती तौर पर तालिबा ट्रेन से नीचे गिर पड़ी। वो प्लेटफार्म और ट्रेन के दरमियान फंस गई थी। तालिबा काफ़ी देर तक फंसी रही और दर्द से तड़प रही थी। इस दौरान रेलवे के रेस्क्यू अमले ने जायद 10.5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद प्लेटफार्म के कुछ हिस्से को तोड़कर तालिबा को बहिफाजत निकालने में कामयाबी हासिल की। लड़की को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मेयर का ओहदा जीत लिया है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुल 250 वार्ड्स में से आपने 126 वार्ड जीतकर जादुई फिगर को उबूर किया है। दिल्ली कॉरपोरेशन पर गुज़िश्ता 15 साल से हुकूमत करने वाली BJP को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मुसलसल 3 मरतबा मेयर की सीट जीतने वाली BJP अब सिर्फ 97 वार्ड्स में ही जीत पाई है। फिलहाल आप मजीद 8 वार्ड्स में और BJP 6 वार्ड्स में आगे है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 7 वार्ड्स में जीत पाई है और 3 वार्ड्स में आगे है। 3 वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान केजरीवाल ने राय दहिंदों से कहा कि अगर दिल्ली शहर में सफाई सुथराई को बेहतर बनाना है तो ऐप को कामयाब बनाएं। उन्होंने दिल्ली के वोटरों को समझाया कि दिल्ली में उनकी अपनी हुकूमत होने के बावजूद उन्हें दिल्ली को साफ करने का कोई मौका नहीं है क्योंकि दिल्ली कॉरपोरेशन BJP के हाथ में है। उन्होंने कहा कि जब भी एक पार्टी दिल्ली की सीट पर होती है तो दूसरी पार्टी दिल्ली के मेयर के सीट पर होती है, जिसकी वजह से तालमेल का फुकदान है। हिंदी अदब इस बात पर इतराता है कि उसके पास बहुत से आशु कवि फिलबदही शायर हैं, लेकिन उर्दू अदब को ये फ़ख्र हासिल रहा है कि अहमद अली बरखी आज़मी ने न सिर्फ उर्दू में कुर्रेअर्स के मरकज काबे पर आज रात चांद ऐन ऊपर होगा। सऊदी अरब में फलकियाती उलूम कमेटी के सरबरा इंजीनियर माजिद अबू जाहरा ने कहा कि आज मंगल को चांद काबे के ऐन ऊपर होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि चांद काबे के ऐन ऊपर मक्के मुकरमा के वक्त के मुताबिक 8:06 पर होगा, जिसे चहशंबे का सूरज तुलू होने तक देखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि चांद के खाने काबा के ऐन ऊपर आने से उस वक्त के एतबार से कहीं से भी काबे की सिमत का दुरुस्त तयन किया जा सकता है। ताहम मक्के के करीबी शहरों के लिए काबे की सिमत का तयन करना मुफीद नहीं होगा, जिनमें जिद्दा, ताइफ और असफान वगैरह शामिल हैं।
सऊदी अरब में बरसरकार हर खारजी बाशिंदे के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का होना लाजमी है। इस पाबंदी की मौसर अमल आवारी के लिए अखामा बनाने या उसकी तजदीद के लिए अब इसको जवाजात के सिस्टम से मरबूत कर दिया गया है, यानी अब गैर मुल्की कारकुनों के अखामा बनाने या उसकी तजदीद मेडिकल इंश्योरेंस से लाजिम है। मगर ये निज़ाम अब भी लोगों के लिए वाज नहीं है, इसलिए लोग जवाजात की साइट पर सवाल पोस्ट करते रहते हैं। इस सिलसिले में जवाजात ने फिर एक बार वजाहत जारी की है। सऊदी महकमे पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ने वाजे किया है कि निज़ाम के मुताबिक ममलकत में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनों के अखामों की तजदीद के लिए लाजमी है कि कारकुन और उनके अहले खाना की मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी कंपनियों से कराई जाए जो जवाजात के सिस्टम से मरबूत हों। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में बारिश की पेश कयासी, गाँव गाँव चैना बाजार मेक इन इंडिया कहाँ है वजीर आला तेलंगाना का वजीर आजम से सवाल। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर आम आदमी पार्टी का कब्जा, बीजेपी का 15 साल दौर खत। और ट्रेन और रेलवे प्लेटफार्म के दरमियान फंस गई लड़की। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं। तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।